भारतीय फिल्म जगत के अनगिनत सितारों में कुछ हस्तियां वो भी थे जिन्होंने कर्म भूमि के बजाय इस्लामिक विचारधारा को अपनाया और पाकिस्तान चले जाने का फैसला लिया। वैसे तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से दोनों समुदाय के लोगों ने अपना अपना देश चुना था। जैसे हिंदू बहुमत वाले लाहौर में बहुत सारे हिंदू कलाकार रहते थे, पर बंटवारे के बाद उन्हें अपनी जायदाद छोड़कर भारत आना पड़ा। आज हम आपको ऐसे हस्ती से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने भारत में रहकर बहुत प्रसिद्धि और प्यार बटोरा था, पर पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते उनका स्टारडम भारत में रह गया और सामान्य इंसान के रूप में उन्होंने पाकिस्तान को अपनाया। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम जिस व्यक्ति की छवि आपके सामने पेश करने वाले हैं उनका नाम है मुमताज शांति। कांटा है सर। देखो देखो। नहीं नहीं, मैं निकालू। वाह, पैर तले भी कोई देख सकता है? लाओ मैं निकालू। नहीं, रहने दीजिए। क्यों शर्माती हो? पैर में कांटा, आंख में लज्जा, मुंह में ना और मन में हाँ, लाओ निकाल दू। इतनी देर लगा दी आपने। अरे भाई, इतनी ही देर में निकलता है इतना बड़ा काटा। मुमताज शांति उर्फ मुमताज बेगम का जन्म 1926 में अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। आपको बता दूं कि उनका जीवन दुख के साथ शुरू हुआ था क्योंकि वो बचपन से अनाथ थी। इस वजह से मुमताज का पालन पोषण उनके आंटी ने किया। उन्होंने भी मुमताज का पालन पोषण अपनी बेटी जैसा किया और उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मुमताज के अंकल भी बहुत भले इंसान थे। वो चाहते थे कि मुमताज अपने जीवन में खूब नाम कमाए। इस वजह से उन्होंने मुमताज को डांस और गायन कला की शिक्षा दी। प्राथमिक स्कूल के बाद मुमताज को स्टेज शोज की भनक लगी और देखते ही देखते वो अभिनय क्षेत्र में रुचि रखने लगी। उस दौरान वो सिर्फ 15-16 साल की थी जब उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला किया था, पर उनके सपनों ने उड़ान तब भरी जब जाने माने फिल्मकार वाली मोहम्मद ने उनकी मदद की। वाली मोहम्मद के कारण मुमताज को अभिनय की बारीकियां और फिल्म निर्माण के कुछ बातें पता चली और साथ ही उन्हें ये भी एहसास हुआ कि लाहौर में रहकर उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से मुमताज ने कोलकाता जाने का फैसला किया। कोलकाता में वाली मोहम्मद सोनी कुम्हारन नामक पंजाबी फिल्म बना रहे थे। इसी फिल्म के साथ मुमताज शांति ने अभिनय की शुरुआत की और वो भी बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में। 1939 में रिलीज हुई ये फिल्म सिल्वर जुबली साबित हुई। उस दौर के हिंदू मुस्लिम टकराव के कारण वाली मोहम्मद ने मुमताज के नाम के आगे हिंदू नाम शांति लगाया। इसी नाम के साथ उनकी अन्य फिल्में रिलीज होने लगी। मुमताज की हल्की सी मुस्कान और खूबसूरत डांस के कारण उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। उस दौर की सुपरहिट नायिका वीना के एक फिल्म में मुमताज शांति ने एक डांस सीक्वेंस दिया था। उस फिल्म के रिलीज के बाद जितनी तारीफ वीना की नहीं हुई उतनी मुमताज शांति की हुई। क्या नाम है तुम्हारा? उमा। और तुम्हारा? जी बाबुल। कहाँ रहते हो? जी इस वक्त तो हमें रहने को कहीं जगह नहीं है। पहले कहीं काम किया है? हाँ, बाबू कुंदन लाल के यहाँ। बाबू कुंदन लाल के यहाँ क्या करते थे? जी नौकरानी का काम करती थी। मैं ये पूछता हूँ कहीं गाने नाचने का भी काम किया या नहीं? जी जी नहीं। तो इस तरह बहुत ही कम समय में मुमताज शांति पंजाबी फिल्म जगत की सुपरस्टार बन गई। पर मुमताज शांति को सही मायने में प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया। पर इस बीच उनके अंकल ने शर्त रखी कि मुमताज शांति को पहले शादी करनी पड़ेगी। अपने पालनकर्ता की बात मानते हुए मुमताज ने वाली मोहम्मद से ही शादी कर ली। इसके बाद वो मुंबई आई। असल में वाली मोहम्मद नहीं चाहते थे कि वो मुंबई आए, पर बॉम्बे टॉगिस कंपनी के कारण इन दोनों मियां बीवी को मुंबई आना पड़ा।
मुंबई में मुमताज शांति की पहचान बस यही थी कि वो एक सफल डांसर हैं। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत बन रही फिल्म बसंत मुमताज शांति की पहली हिंदी फिल्म थी, जिसमें प्रसिद्ध अभिनेता उल्हास उनके नायक थे। 1942 में रिलीज हुई बसंत ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया और जबरदस्त कमाई भी की थी। क्या सोच रही हैं आप? ऐसा क्यों किया आपने बेकार? क्या किया? थिएटर की बजाय मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्या कहूँ, सवाल लाजवाब है, लेकिन आप खुश तो हैं यहाँ आने से? जी, मुझे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। सर बताइए तो आप क्यों इतनी खुश हैं? क्या कहूँ, सवाल लाजवाब है। खूब, मेरा ही सोटा मेरे ही सर। निर्मल बाबू जी, अब क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? यही कि आप और मैं यहाँ इस तरह आ गए, मुझे तो डर लगता है। वाह, इसमें डरने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा जब मैं भैया से कहूंगा। क्या कहिएगा? यही कि हम एक दूसरे से, यानी कि हम ब्याह करना चाहते हैं। इस फिल्म के कारण मुमताज शांति का नाम अन्य हिंदी फिल्मकारों को पता चलने लगा। उस दौर में वो ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी अभी तक कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इस वजह से उन्हें द जुबली गर्ल कहा जाने लगा। बसंत के बाद मुमताज शांति की किस्मत फिल्म रिलीज हुई, जिसमें खुद अशोक कुमार उनके नायक थे। किस्मत भारतीय फिल्म जगत की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, जो मुंबई समेत कोलकाता में सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। इस फिल्म का गाना घर घर में दिवाली मेरे घर अंधेरा दर्शकों को खूब पसंद आया। आगे चलकर किस्मत फिल्म का रिकॉर्ड 32 साल बाद टूटा। 1975 में रिलीज हुई अमिताभ और धर्मेंद्र की शोले फिल्म ने ही किस्मत फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। बदलती दुनिया, सवाल, भारत हारी, दूसरी शादी, घर की इज्जत, संस्कार, जमाने की हवा, ये मुमताज शांति की अन्य हिट फिल्में थी। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज शांति से पूछा गया कि आप इतनी बड़ी स्टार हो पर फिर भी आप साधारण जीवन क्यों जीते हो? इस पर वो कहती हैं कि बचपन से उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाया गया है। शादी के बाद वो हमेशा से ही अच्छी गृहस्थी और आदर्श बीवी बनना चाहती थी। इस वजह से वो अपने पति को स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी लिखने में मदद करती हैं। मुंबई में कुछ साल बीतने के बाद उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ अपने पति की फिल्मों में काम करना चाहिए। इस वजह से मुमताज शांति ने मर्यादित फिल्मों में काम करना शुरू किया और यहीं से उनका स्टारडम भी उतरने लगा। यूं तो मुमताज शांति ने लगभग 25 फिल्मों में काम किया था, पर जब उनसे पूछा गया कि उनकी मनपसंद फिल्म कौन सी थी तो उन्होंने तुरंत अपने पति की फिल्म जमाने की हवा का नाम लिया। इस फिल्म में मुमताज शांति मॉडर्न लड़की की भूमिका में दिखाई देती हैं और यही उनकी अंतिम हिंदी फिल्म थी जो 1952 में रिलीज हुई थी। उस दौरान मुमताज शांति अपने पति के साथ मुंबई के दादर इलाके में रहती थी। जमाने की हवा के रिलीज के बाद पति वाली मोहम्मद ने पाकिस्तान बसने का फैसला किया और इस तरह 1952 में मुमताज शांति हमेशा के लिए पाकिस्तान की हो गई। पर अफसोस की बात ये थी कि मुंबई में रहकर उन्हें जो स्टारडम मिला वो पाकिस्तान में नहीं मिला। वाली मोहम्मद से उन्हें दो बेटे सिकंदर वाली और जफर वाली हुए, जो आज के ज़माने में पाकिस्तान फिल्म जगत में सक्रिय हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद 1993 के साल में 67 की उम्र में मुमताज शांति का देहांत हो गया। भारतीय फिल्म जगत में मुमताज शांति को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो पाकिस्तान चली गई, बल्कि उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो किस्मत और बसंत इन दो फिल्मों की अभिनेत्री थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।